किसान भाइयों बहनों नमस्कार। दूरदर्शन किसान के गांव किसान कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सूरज निवरिया। किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको खेती किसानी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर नई नई जानकारियाँ देते हैं। और आज हम हमारे खेती किसानी सेगमेंट में बात करेंगे कि किस प्रकार से कृषि निर्यात नीति किसानों की आमदनी को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभा रही है। साथ ही हम हमारा पशुधन सेगमेंट में बात करेंगे भैंस पालन को लेकर। अंत में हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान कार्यक्रम की। किसान भाइयों बहनों, हमारी सरकार के द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जिसका एक मुख्य उद्देश्य है कि सन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाए। और ऐसा ही एक सकारात्मक प्रयास है कृषि निर्यात नीति, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो, साथ ही कृषि के निर्यात को एक नया आयाम मिले और कृषि के उत्पादों को निर्यात किया जा सके। तो क्या है कृषि निर्यात नीति, आइए जानकारी लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में हमारा देश ऐसा है जहां पर हम हर फसल को उगा सकते हैं। तो ये जो ईश्वर की ओर से हमें जो प्राकृतिक संपदा मिली है, इसका हम अधिक से अधिक फ़ायदा उठाते हुए अपने किसान भाइयों की आय को बढ़ा सकें, इसके लिए बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन काम करता है। और बासमती के निर्यात को बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक कार्य हैं और इस निर्यात की चेन की जितनी भी कड़ियां हैं, इनको हम किस तरह से सुदृढ़ करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात बढ़ा के विदेशी मुद्रा भी अर्जित करें और किसानों की आय को भी बढ़ा सकें, ये हमारे संस्थान का उद्देश्य है। और आप सब जानते हैं कि बासमती चावल में राजा है। हर व्यक्ति बासमती खाना चाहता है। दुनिया के कोने कोने तक बासमती की सुगंध को बिखेर के हम कितना पैसा अर्जित कर सकते हैं, ये हमारी काबिलियत के ऊपर है। निश्चित रूप से हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी प्रजातियाँ विकसित की हैं। दुनिया का सबसे लंबा चावल हमारे पास है और आज की तारीख में हम 40 लाख टन से ज़्यादा चावल, बासमती चावल निर्यात करते हैं। हम चावल के उत्पादक दूसरे नंबर के हैं, लेकिन निर्यात में हम पहले नंबर पर आते हैं। तो किस तरह से हम और ज़्यादा पैसा प्राप्त कर सकें, उसके ऊपर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं, आप सब मेहनत से खेती करते हैं और हमारा उद्देश्य एक रहता है कि हम कैसे अपना उत्पादन बढ़ाएं। यहाँ पर जब हम मार्केट की बात करते हैं, ज़्यादा मुनाफे की बात करते हैं, तो हमें कुछ पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए जो कि अक्सर हम भूल जाते हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जो चावल पैदा कर रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स के अंश ना हों, जिससे किसी भी देश में या हमारे देश के भी नागरिक उसे खाते हैं तो उसको जहर न खाना पड़े। और जब बाहर जाके इस तरह की समस्या आती है तो चावल के साथ जो आपका किसानों का नुकसान होता है वो तो है ही है, हमारे देश की साख को भी बट्टा लगता है। अतः बासमती की खेती में हमें विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि उत्पादन भी कम ना हो और हम उन उपायों को करें जिनसे कि हमारे चावल के अंदर पेस्टिसाइड्स के अंश ना रहें। किसान भाइयों से मैं अपील करूंगा कि जब भी आप पेस्टिसाइड्स खरीदने जाते हैं तो पहले ये कृषि वैज्ञानिकों से सलाह करें, क्या आपके खेत में पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, यदि है तभी लें और लें तो कौन सा लें, ये बात कृषि वैज्ञानिक की सलाह से यदि आप करेंगे तो आपके उत्पाद में भी पेस्टिसाइड रेजिड्यू नहीं होंगे। और जब पेस्टिसाइड रेजिड्यू नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आपको आपकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा। किसान भाइयों, आपको ये जानकर हर्ष होगा कि हमारी प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने देश में पहली बार कृषि निर्यात पॉलिसी तैयार की है। अभी तक हम जो एक्सपोर्ट करते थे बिना किसी पॉलिसी के कर रहे थे, हमारे पास इतने ज़्यादा संसाधन होते हुए भी हम एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा नहीं हैं। हम 10वें नंबर पर एक्सपोर्ट में आते हैं, जबकि जिस तरह की हमारी भौगोलिक स्थिति है, जिस तरह की हमारे पास जल है, मिट्टी है और ये सारी जो प्राकृतिक संपदा है, उस आधार पर हमें अग्रणी होना चाहिए। तो देश में जो पहली कृषि निर्यात नीति बनी है, ये किसानों को समर्पित है और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दुगना करना है। अभी हमारे देश से जो कृषि उत्पाद हैं उनका जो निर्यात है वो 38.2 बिलियन US डॉलर का है।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2022 तक हम इसे 60 बिलियन डॉलर करेंगे और 2025 तक 100 बिलियन डॉलर करेंगे। उसके तहत ये निर्यात पॉलिसी बनाई गई है। इस निर्यात पॉलिसी की विशेषता ये है कि पहली बार सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस पॉलिसी को बनाया है और इसमें लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमको ये प्राप्त करना है। जब भी हम कोई कार्य लक्ष्य निर्धारित करके करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता हमें उसमें मिलती ही है। दूसरी बात यह है कि सभी देश की सभी मंडियों में एक जैसा स्ट्रक्चर हो, एक जैसे टैक्सेस हों, जिससे कि कंपटीशन को हम सहन कर सकें, हम आगे बढ़ सकें। ये इस निर्यात नीति की पॉलिसी है और विशेष बात है। इसके अलावा यदि आप निर्यातक बनना चाहते हैं तो वो भी अब काफ़ी आसान हो गया है। सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि खेत से सीधे बाजार तक किसी भी उत्पाद को ले जाने के लिए जो भी चेन डेवलप करनी है वो की जाए, और आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना, ये इस पॉलिसी की कुछ ऐसी खूबियां हैं जो आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे देश को निर्यात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी। जैसे कि आप जानते हैं अभी जहां हम निर्यात के स्तर पर यदि हम देखें तो सीरियल्स जो अनाज हैं जिसमें खास तौर से चावल का विशेष स्थान आता है, इसके अलावा हम समुद्री जो उत्पाद हैं हमारे, उसके बाद हम आते हैं मीट पर, हम कितना पशुओं का मीट, बफेलो मीट जो एक्सपोर्ट करते हैं, और इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत कम मात्रा में हैं। जो बहुत कम मात्रा में हैं खास तौर से फूल हैं, फल हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, इनके एक्सपोर्ट में अपार संभावनाएँ हैं। किसान भाई भी यदि प्रोसेसिंग की ओर जाके अपने जो फल हैं उनके कई उत्पाद बना के, फूलों के उत्पाद बना के, सब्जियों के उत्पाद बना के उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस नीति में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि मान लीजिए आम है, आम आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर में होता है, तो आम के लिए ऐसी यूनिट, ऐसी व्यवस्था करना जो सीधे आपके खेत से लेके, आपके बगीचे से लेके एक्सपोर्ट तक की हो सकती है, उसके लिए कोल्ड चेन बनाना, ये सारी सुविधाएं भी उसके अंदर हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जानकारी ली कि क्या है कृषि निर्यात नीति। किसान भाइयों बहनों, अभी आपने कृषि निर्यात नीति को लेकर जानकारी ली। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे हमारा पशुधन सेगमेंट की। लेते हैं ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच गुरुवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम गांव किसान में, और आज हम हमारा पशुधन सेगमेंट में बात करेंगे भैंस पालन को लेकर। आपके पशु आपका असली धन है और इनकी देखरेख करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे आप बदलते मौसम के हिसाब से आप अपने पशुओं की देखरेख करें, आइए जानकारी लेते हैं। मैं 2007 से पशु का काम करता हूं और एक दो पशु से स्टार्ट किया था। आज मेरे पास 11-12 पशु हैं, बड़े वाले। गर्मी में तो हमने घेर में शेड बना रखी, पेड़ वगैरह लगा रखे हैं, पेड़ों के नीचे कच्चे में रखते हैं, और सर्दी में यहाँ अंदर मैट वगैरह डाल रखे हैं, मैट के ऊपर रखते हैं ताकि चिचड़ी वगैरह से, इन चीज़ों से बचाओ उसके। खाने पीने का अपना हरा चारा बोते हैं, हरा चारा लगाते हैं। वो भाई से, एक भाई है अपने राजेश शौकीन जी, उन्होंने वो लगा रखा, खाद का अपना प्लांट देसी खाद का बना रखा है, वो खाद लेके उससे हरा चारा तैयार करते हैं, वो पशुओं को डालते हैं, और अपने खेत का गेहूँ वगैरह ये अपने खेत से हो जाता है। स्वास्थ्य का देख रेख इतना तो हम खुद भी देख लेते हैं, और आज तक ऐसी कोई बीमारी आई नहीं कि स्वास्थ्य के बारे में देखना पड़े। और एक अपने अच्छे डॉक्टर हैं, उनको बोल रखा है, वो हफ्ते में एक बार आके सारे पशुओं का चेकअप करके जाते हैं, डॉक्टर बीरेंद्र सिंह। सुबह 4 बजे उठ के इनके नीचे से सफाई वगैरह करके इनको हरा चारा डालते, दाना डालते, फिर इनका दूध निकालते। सफाई करने के बाद दूध दाद निकाल के फिर इनके बच्चों को डेली चेक किया जाता है, किसी के कलीले चीचड़ी वगैरह तो नहीं लगा होता है। 15 दिन में एक बार इनको जू चीचड़ी इसकी दवाई दी जाती है, वो दवाई देते हैं गुड़ के साथ मिला के, वो दवाई देते हैं। अपनी देख रेख खुद भी कर लेते हैं और डॉक्टर से भी सलाह लेते रहते हैं।
हफ्ते में एक बार डॉक्टर साहब घर पे आते हैं, जो घर पे आके सारे पशुओं का चेकअप कर जाते हैं। कोई पशु कम दूध देता है, कोई ज़्यादा देता है। 7 पशु दूध देते हैं मेरे, आज 7 पशु का करीब करीब 95-96 kg दूध मेरा डेली का सेल हो जाता है, इतना ये हो जाता है। हरा चारा हम दिन में 2 बार हरा चारा डालते हैं, 1 बार दोपहर में, 1 बार रात में, और 2 बार बाट बाखर डालते हैं। सुबह दूध निकालते समय 1 बार इस टाइम आप दूध निकालेंगे, तब इनको खिलाएंगे, ये खाते रहेंगे, हम पीछे से दूध निकालते रहेंगे साथ के साथ। बाट बाखर में बिनोड़ा है, बिनोड़े की खड़ है, मक्की है, चने की चूरी है, सरसों की खड़ है, ज़्यादातर तो ये डालते हैं। चने का छिलका भी हो जाता है, फिर जैसे मौसम के हिसाब से भी चेंज करनी पड़ जाती है। कई बार जैसे सर्दी का मौसम आ गया तो अरहर की चूरी डालनी पड़ती है, वो गर्म रहती है, इससे पशु में ईट में जल्दी आता है, जल्दी गाभन हो जाए। साल में एक बार एक साल में बच्चा दे दे, अगर जो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखे तो फिर वो दो तीन साल तक बच्चा नहीं दे, उससे भी लॉस हो जाए। गर्मी में जैसे उस चीज़ को हम डाल नहीं सकते, गर्मी में चना ज़्यादा डाला जाएगा, चने की तासीर ठंडी हो जाए, उसको भिगो के चने को डालते हैं, शाम को भिगो देते हैं, सुबह उसको कच्चा डालते हैं ठंडे पानी में भिगो के, ये करना पड़ता है। जैसा मौसम होता है फिर मौसम के हिसाब से तो बदली करना पड़ता है, कभी ज़्यादा भी करनी पड़ जाए, किसी पशु को ज़्यादा बाट बाखर डालनी पड़ जाए, किसी को कम भी डालनी पड़ जाती है। बस स्वच्छ पानी पिलाना डेली का, वद्दी की सफाई करते हैं, कैल्शियम वगैरह समय पे देना, हरा चारा रेगुलर देना, नहलाना धुलाना, साफ़ सफाई का इस चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ सफाई अगर जो हम समय पर नहीं करेंगे तो उससे बीमारी होने के, चिचड़ी होने के ये खतरे ज़्यादा हो जाते हैं, और एक बार बीमारी पशु में लग गई तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके सभी पशुओं में घुस जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, थनेला रोग हो जाता है। जैसे अगर जो उसका समय पे उपचार नहीं हो पाए तो वो पशु को ख़त्म कर जाता है, क्योंकि वो आहिस्ता वो दूध में बैक्टीरिया बन जाएगा, उसका दूध ख़त्म हो जाएगा, चारों थन ख़त्म हो जाएंगे भैंस के, वो ज़्यादा लॉस हो जाए। इसलिए हम अपना दूध का काम खुद अपने हाथ से मैं करता हूँ, दूध दोहन हम खुद करते हैं, बाकी काम के लिए तो चाहे बंदा भी रख ले और नहलाने दहलाने के लिए, लेकिन दूध दोहने का काम हम खुद करते हैं, इसीलिए ताकि भाई कल को छोटी मोटी कोई बीमारी हो तो उसका साथ के साथ पता लग जाए। हम तो आने वाले युवाओं के लिए यही कहेंगे, अच्छा पशु लाओ, पैसा एक बार लगता है, बार बार नहीं। अब हम कम दूध का पशु ले आओ, जैसे 10-12 kg का दूध का पशु ले आए, वो 10-12 kg का तो घर से खा जाएगा, बचत कहाँ से देगा। 20+ की भैंस लाए, जो मुर्रा नस्ल की भैंस लाओ, उसके ब्रीड पे भी काम करो। मुर्रा नस्ल का पशु आएगा वो 10 kg का मान लो खा लेगा तो 10 kg की तो बचत करेगा, काम उसका भी उतना ही करना है, खाना उसने भी उतना ही है, देख रेख उसकी भी उतनी करनी है। बस वो 10-5 हज़ार रुपये ज़्यादा महंगी आ जाएगी, इतना फ़र्क पड़ेगा, इतना फिर वो दूध में भी प्रॉफिट ज़्यादा दे देगी। आज मेरे पास 11-12 पशु हैं, एक भी पशु मैं वैसा शुरू में 1-2 बार कच्चा पशु मैं लेके आया, लेकिन उसमें मैंने नुकसान खाया, उसके बाद से मैं मुर्रा के अलावा भैंस नहीं रखता। मेरे पास तकरीबन सारी 20+ की भैंसें हैं, जब अपने पीक पॉइंट पर ये होती है उस समय 20+ की होती है सारी की सारी, कोई भी भैंस मेरी ऐसी नहीं है जो 20 से कम हो। ये मेरी घर की कटड़ी थी, इसकी माँ ने 24 kg दूध दिया था, 24 kg, आज वो 13 बार ब्याह चुकी है, मेरे पास ही है, उसने फर्स्ट बार ही कटिया दी थी, वही कटिया मैंने पाड़ रखी है। अब उसने कटिया फिर दिया, वो 1.5-2 महीने की ब्याई, बूढ़ी होगी, 13-14 बार की ब्याई है, उसको मैंने वहाँ दूसरे प्लाट में बांध रखा है, बड़ी होगी, यहाँ ये कई भैंस रहती है, भीड़ में कभी कोई सी गिरा ना दे, चोट चाट ना मार दे। अब उसकी कटिया एक और तैयार करने लग रहा हूँ मैं, वो करीब करीब 1.5 महीने की होगी, अब वो ईट पे आ चुकी फिर प्रेग्नेंट होने के लिए। एग्रीमिन फोर्ट का पाउडर खिलाते हैं, जिससे कि पशु के शरीर में जो भी कमी हो वो सभी कमियों को पूरी कर देता है। किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम के हिसाब से आप अपने पशुओं की देखभाल कैसे करें, आइए जानकारी लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर के जरिए। जनवरी में ध्यान देने वाली बातें। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सीधा असर सर्द हवाओं व पाला पड़ने के रूप में पड़ता है, इसलिए पशुओं को शीतलहर से बचाने के आवश्यक उपाय करें। पाला पड़ने की संभावना होने पर कृत्रिम प्रकाश या गर्मी का प्रबंध अवश्य करें। कमजोर और रोगी पशुओं को बोरी की झूल बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को छत के नीचे या घास फूस के छप्पर में बांध कर रखें।
पशुओं को नम स्थान में बंद करने और धुआं आदि से गर्मी पहुंचाने की कोशिश उनके न्यूमोनिया से पीड़ित होने की संभावना को अधिक बढ़ाती है। पशुओं को पानी गुनगुना करके दें। दुधारू पशुओं को तेल और गुड़ देने से भी शरीर का तापक्रम सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। पशुपालकों को चाहिए कि अगर मुंह पका खुरपका रोग पीपीआर गलघोटू फड़किया लंगड़ा बुखार से बचाने के टीके नहीं लगवाए हैं तो अभी लगवा दें। विशेष रूप से मेमनों को फड़किया का टीका लगवाएं। किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जानकारी ली इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे एक सफल किसान की कहानी जिन्होंने जैविक खेती करके एक नई इबारत लिखी है। लेते हैं ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच, देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम गांव किसान में। जैविक खेती कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाली एक खेती है और ये कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इसके बने हुए उत्पादों की बाजार में दिन प्रतिदिन मांग बढ़ती जा रही है। जैविक खेती को लेकर सरकार के द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जी हाँ, जैविक खेती करके एक किसान ने भी एक नई इबारत को लिखा है। ये हैं संदीप दसवणकर जो जैविक खेती कर रहे हैं। तो किस प्रकार से ये सफल जैविक खेती कर रहे हैं, आइए जानकारी लेते हैं। रासायनिक खाद पर उगाई गई फसलों की वजह से सेहत और खेतों की भी जो हानि होती है वो देखकर हम जहर तो नहीं खा रहे हैं, ऐसी भावना निर्माण होती है। इसी भावना से जैविक खेती की संकल्पना का प्रसार हुआ और अब किसानों के साथ साथ अन्य लोगों में उसकी जागृति हो रही है। किसान संदीप धसवड़कर जी ने जैविक खेती का सफलतापूर्ण प्रयास करके अन्य कई किसानों के सामने एक मिसाल कायम की है। पारंपरिक तरीके से खेती करने वाले अनेक किसान हैं, लेकिन रासायनिक खाद के कारण उनकी फसलों और खेती का नुकसान होते हुए उन्होंने देखा है। समय की मांग और जरूरतों को ध्यान में रखकर अपनी खेती और लोगों की सेहत दोनों को संभालने के लिए कई किसानों ने जैविक खेती का विकल्प चुना। अनेक जगहों में जैविक खेती का प्रसार और विकास हुआ है और अब तो इन्हीं जैविक फसलों के लिए बाजार में मांग बढ़ गई है। संदीप दसवड़कर ने स्वयं अनुभव से ये बात साबित की है कि जैविक खेती से अच्छा मुनाफा मिल सकता है और ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जैविक खेती किसानों के लिए सभी मायनों में फायदेमंद होती है। रासायनिक खाद कीटनाशकों का इस्तेमाल न करने के कारण बहुत कम खर्चा होता है। घर और आसपास के परिसर में बनाई जाने वाली प्राकृतिक खाद की सहायता से फसलें उगाई जाती हैं। मात्र ऐसा होने के लिए किसानों की मानसिकता बदलनी जरूरी है। उसके लिए सरकारी स्तर से प्रयत्न किए जाते हैं। सरकारी अधिकारी वर्ग को इसके लिए विशेष मेहनत करनी पड़ती है। दसवड़कर परिवार की पुश्तैनी खेती थी, लेकिन पहले वो बहुत पर्याप्त मात्रा में फसलें उगाया करते थे। उन्होंने ज्यादातर रासायनिक खाद का उपयोग किया, लेकिन उसमें भी कम आमदनी और खेती का नुकसान ज्यादा, ऐसा अनुभव आने लगा। तब उन्होंने जैविक खेती का विकल्प चुना। हालांकि ये बदलाव आसान नहीं था, परंतु उसके लिए शुरुआत में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। जैविक खेती का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए सरकार द्वारा अनेक अनुदानित योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। किसानों को उनकी जानकारी देकर जरूरत के अनुसार मार्गदर्शन भी किया जाता है। जैविक खेती जैसा अलग प्रयोग करना हो तो मात्र एक ही फसल पर निर्भर रहना उचित नहीं होता। फसलों की देखभाल करने के लिए और अधिक आमदनी प्राप्त करने हेतु धसवड़कर जी ने एक खेत में मिश्र फसल लेने का अभिनव प्रयोग किया और उसमें वो यशस्वी हुए। जैविक खेती के लिए बहुत कम खर्च आता है। रासायनिक खाद के लिए होने वाला खर्च
उसके उपरांत होने वाली कीटनाशकों की फुहार, ये सब खर्च बच जाता है और अपने घर परिसर के आसपास उपलब्ध प्राकृतिक साधन संपत्ति द्वारा खाद की निर्मिति की जाती है। इसी को जीरो बजट खेती कहा जाता है। निसर्ग की बड़ी कृपा रही है राजे गांव पर। उसके अलग अलग लुभावने रूप यहां दिखाई देते हैं। पानी की उपलब्धि होने के कारण इस भाग में गन्ने की बढ़िया फसल होती है। खुद दसवटकर अब जैविक खेती में बहुत रुचि लेने लगे हैं और अपने साथ बाकी किसानों को जैविक खेती का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास जैसी केंद्र सरकार की नीति के अनुकूल उनका कार्य है। हालांकि जैविक फसलें सेहत और स्वास्थ्य के लिए लाभकर होती हैं, परंतु बड़ी मात्रा में बाजार में उपलब्ध होने वाली बाकी खेती के उत्पादनों की तुलना में उनका दर ज्यादा होता है। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ज्यादा कीमत देने की ग्राहकों की मानसिकता होनी चाहिए। इस बारे में दसवटकर का अनुभव अच्छा और सकारात्मक है। 5000 आबादी वाले राजे गांव के किसान धीरे धीरे जैविक खेती की ओर मुड़ रहे हैं। संदीप दसवटकर जैसे अलग सोच रखने वाले किसान इसके लिए खुद पहल कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के विकास हेतु जाहिर की गई सरकारी योजनाओं का उन्हें लाभ मिल रहा है। रासायनिक खाद के जहर से हम लोगों को बचा पाए, ये समाधान ज्यादा बड़ा है, ऐसा उन्हें लगता है। ये बड़ी प्रशंसनीय बात है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने मुलाकात की संदीप दसवणकर जी से, जो जैविक खेती करके दूसरों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। आज के गांव किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ आपसे पुनः होंगे मुखातिब। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।